तो फिलहाल ये दवाई मुझे अभी खाना पड़ रहा है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बहुत दिन के बाद वीडियो बना रहा हूँ। तो आज सुबह होते ही सोचा कि थोड़ा आलू पराठा खाया जाए, क्योंकि हर टाइम तो हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं। तो आज आलू पराठा के साथ शुरू करेंगे हम लोगों का ब्रेकफास्ट। तो चलो, आलू पराठा का थोड़ा बहुत हम लोग बनाते हैं और आप लोगों को दिखाऊंगा कैसे कैसे बनाता है। जितना हो सके मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, क्योंकि मैं आलू पराठा इतना अच्छे से नहीं बना सकता। तो जितना हो सके बनाऊंगा और आप लोगों को दिखाऊंगा। तो चलो देखते हैं। तो ये रहा नमक और यहाँ पे है मैदा। मैदा में थोड़ा नमक मिक्स करके दे रहा हूँ। तो ये हो गया नमक और थोड़ा दे देता हूँ। ये रहा। तो यहाँ पे जो धोने के लिए बोला था मैंने, वो उसको बोलते हैं हम लोग बागोर। जो वो हम लोग आलू का जो ये बनेगा ना आलू पराठा, वहाँ पे देंगे। तो ये रहा मैदा। तो यहाँ पे पानी मिक्स कर दिया मैंने, तो अभी वो थोड़ा मिक्स कर रहा हूँ यहाँ पे। तो आज हम लोग बनाएंगे, हम दोनों बनाएंगे, अकेला नहीं, आलू पराठा। क्योंकि आलू पराठा बहुत दिन से हम लोग नहीं खा रहे, तो खाने का मन भी है, तो अकेला नहीं बना रहा हूँ। वो भी थोड़ा बहुत हेल्प कर रहा है, क्योंकि मेरा तबीयत इतना अच्छा नहीं है, इसलिए वो ज़्यादातर वही हेल्प कर रहा है, तो मैं थोड़ा बहुत हेल्प कर रहा हूँ। तो ये रहा मैदा। तो यहाँ पे पानी दिया है, लेकिन पानी कम हुआ है, तो उसे बोला कि थोड़ा पानी और डालने के लिए। तो पानी को थोड़ा उबलने दो, उसके बाद ही यहाँ पे दे दूँगा। तो ये रहा हम लोगों का बैम्बू शूट। तो यहाँ पे थोड़ा धनिया दिया है, तो यहाँ पे उबल रहा है भाई। आज तो टेस्टी से खा। तो ये तो ख़त्म हो गया मेरा, इसको अभी ऐसा तोड़ना पड़ेगा ऐसे ऐसे करके। और यहाँ पे देखो, ये जो आलू है इसको ऐसे ऐसे करके करना होगा, करते जाओ करते जाओ। तो भाई साहब, हम लोगों का जो आलू पराठा बन रहा है ना, तो वो ऑलरेडी रेडी हो रहा है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्याज काट रहा है, यहाँ पे देखो दूसरी तरफ धनिया, और यहाँ पे देखो ये है आलू जो है ना, वो आलू को ऐसे करके रख दिया अभी। और यहाँ पे मैदा जो है ना, मैदा को मैंने यहाँ पे गोल गोल करके रख दिया। तो इसको रेडी होने पे थोड़ा टाइम लग रहा है, तो देखते हैं। और यहाँ पे देखो मेरा आगे तबीयत अच्छा नहीं है, इसलिए थोड़ा आँखें मतलब कि अभी मतलब कि थोड़ा नींद आ रहा है, ऐसा ऐसा लग रहा है, दर्द भी कर रहा है थोड़ा बहुत। 2-3 दिन नहीं, 4-5 दिन हो गया मेरा तबीयत अच्छा नहीं है, अभी भी फिलहाल ऐसा ही है, तो पता नहीं क्या होगा। तो देखता हूँ, अभी तो फिलहाल दवाई खा रहा हूँ, जितना हो सके करूँगा। तो ये रहा दूसरा प्याज, इसको भी ऐसे कटे। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, मिर्ची प्याज और आलू सब मिक्स किए हैं यहाँ पे दे रहे हैं। और ये है धनिया, धनिया भी दे दिया, और इसको बाद में इसको हम लोगों ने अच्छे से मिक्स करके ऐसा करके रख दिया, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। तो अभी जो मैं वो मैदा का जो ये बनाया, तो यहाँ पे वो आलू का यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे दे दे रहा हूँ, और इसको ऐसे करके रख दूँगा। तो फिर से आलू दे रहा हूँ थोड़ा, इसको फूल करके, और इसको होल्ड करूँगा अभी ऐसे करके। ये हो गया, अभी इसको ऐसे ऐसे करके। तो ये हो गया मेरा,
अभी चलो। सो गाइस, मेरा आलू पराठा रेडी हो गया। तो ये रहा मेरा आलू पराठा। तो मैं आपको आलू पराठा दे दिखाता हूँ। तो मेरा आलू पराठा रेडी हो गया। सो गाइस, फाइनली मेरा आलू पराठा रेडी हो गया। बहुत टाइम लगा करने पे, और आप लोगों को दिखाऊंगा। तबीयत अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप लोगों को दिखाऊंगा आलू पराठा कैसा रहा, और मैं खाऊंगा भी आप लोगों के साथ। ये देखिए आलू पराठा कैसा दिखता है, आप लोगों को दिखाता हूँ मैं। तो ऐसा आप ये देखिए आलू पराठा। ये ऊपर से मैंने सॉस डाल के रख दिया है, और आलू पराठा को थोड़ा इस तरह से कट के रख दिया, क्योंकि खाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। तो ये रहा आलू का पराठा आज। बहुत टेस्टी हुआ है। फर्स्ट टाइम बनाया है, इतना अच्छा भी मतलब कि इतना अच्छे से बना नहीं पाया, लेकिन टेस्ट हुआ है। आलू पराठा जो है ना, जो राउंड करके शेप होना चाहिए था, वो शेप बना नहीं पाया, लेकिन हाँ टेस्ट तो हुआ है भाई, वो तो बोल सकता हूँ। तो मिर्च से मैं यहाँ पे फिर से थोड़ा सॉस डालूंगा, सॉस डालने से और बेहतर लगता है।